नेक्स्ट लेडीज एंड जेंटलमैन एल वेलर रिज साउंड्स हैं, ये प्लेस आपको मैंने बताया हुआ है, ये वाली है जिसमें आपके जो गम लाइन है उसके टच में, उसकी डायरेक्शन में आपकी टंग रहेगी और यहाँ से सबसे ज़्यादा इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स साथ प्रोड्यूस होती हैं। लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट साउंड इस प्लेस से जो एल्वेलर रिज से प्रोड्यूस होती है वो है ठ, ठ। ये अनवॉइस्ड साउंड है और इसका जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो प्लोसिव है और इसमें क्या है, इसकी गुड एग्जांपल है टॉप, टॉप, ट्रिक, ट्रिक। नेक्स्ट साउंड इज ड, ड। ये वॉइस्ड साउंड है, आप देख लें यहाँ पे हाथ रख के आपको पता चल जाएगा, और इसका जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है प्लोसिव है और प्लेस इसकी जो है अलवेलर रिच है। इसकी गुड एग्जांपल है ढोल, ढोल, डू, डू। थर्ड अलवेलर साउंड इज न, न। इसका जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है न का वो नेजल है, यानी कि एयर स्ट्रीम आपकी नोज से रिलीज होगी, तो ये अनवॉइस साउंड है और इसकी गुड एग्जांपल है नॉट, नॉट, नाउ, नाउ, ये इसकी गुड एग्जांपल है। नेक्स्ट अल्वेलर साउंड इज ल, ज्यादा आसान इसको ल, ल, इस तरह कर सकते हैं और ये एक ही साउंड है। इस तरह की इसका जो मैनर है वो लेटरल है, आपकी एयर जो है साइड से आपके बस में भी नहीं होगा, खुद ब खुद रिलीज हो जाएगी, इसलिए एक ही साउंड है इस मैनर की लेटरल की और प्लेस इसकी सेम है। इसकी गुड एग्जांपल है जैसे लॉट, लॉट, और दूसरी इसकी गुड एग्जांपल है लिट, लिट। नेक्स्ट इसमें साउंड इस प्लेस की है यानी के इसका र साउंड है, रोल्ड इसका मैनर ऑफ स्पीच है, रोल में आपने मैंने ऑलरेडी बता दिया टिप ऑफ द टंग रोल करती है इस वजह से, और इसकी गुड एग्जांपल है रैट, रैट, राइट, राइट वगैरह। नेक्स्ट साउंड इसकी है इसमें जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो फ्रिकेटिव है, जिसमें आपका एयर स्ट्रीम आदि आपकी ब्लॉक होगी, आदि रिलीज हो जाएगी, और ये अनवॉइस्ड साउंड है और इसकी गुड एग्जांपल है सिट, सिट, स्टैंड, स्टैंड। नेक्स्ट इसी प्लेस की साउंड है ज़, ज़। इसमें ये वॉइस्ड साउंड है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन सेम फ्रिकेटिव है और इसकी गुड एग्जांपल है ज़िप, ज़िप, ज़िप या ज़ेब्रा, ज़ेब्रा।